गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम एक ही लिपस्टिक के कितने सारे शेड्स बना सकते हैं। जी हाँ, एक ही, एक दो तीन ही नहीं, बहुत बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। जी हाँ, वीडियो के टोटल गाइस तीन हिस्से हैं, तो चलते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ। तो गाइस, पार्ट नंबर वन में मैं आपको एक लिपस्टिक के साथ बहुत सारे शेड आऊंगी। जी हाँ, ये लिपस्टिक का शेड है कुछ ऐसा पीच सा, तो इस लिपस्टिक के शेड से हम कुछ डार्क कलर भी बनाएंगे और कुछ लाइट कलर भी बनाएंगे। ये मैं यहाँ पे इसके स्वेचेस लगा रही हूँ गाइस। पहले एक ही लिपस्टिक से मैं इसके स्वेचेस लगाऊंगी, फिर मैं आपको इसके अलग अलग कलर करके दिखाऊंगी, इससे लाइट कलर और इससे डार्क कलर। क्या होता है गाइस, हम कहते हैं कि हमारे पास डार्क कलर की लिपस्टिक है या फिर लाइट कलर की लिपस्टिक है और हमारी ये ड्रेस तो डार्क है, तो हमें डार्क लिपस्टिक। तो क्या होता है, हमारे पास पड़ा सब कुछ होता है, पर हमें असल में पता नहीं होता है कि हम उसको कस्टमाइज करके भी एक अलग शेड क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको वही शेड क्रिएट करके दिखा रही हूँ कि आप कितने सारे शेड अपने घर पे खुद से क्रिएट कर सकते हो, जैसी भी आपके पास ड्रेस है वैसा सेम बना सकते हो। जी हाँ, तो गाइस अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये व्हाइट पेंसिल। जी हाँ, ये है लियोन ब्यूटी की लिप एंड आई पेंसिल। जी हाँ, हम इसको लिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आई पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस शेड पे मैं ये व्हाइट कलर की पेंसिल लगा रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। ये आप खुद देख सकते हो गाइस, इससे और इसमें कितना चेंज हो गया है। ये थोड़ा पिंक कलर का शेड बन गया है। अब इसमें थोड़ा और व्हाइट कलर की पेंसिल थोड़ी ज्यादा लगाएंगे। इसमें मैंने थोड़ी कम लगाई थी, इसमें थोड़ी ज्यादा लगाएंगे। इस प्रकार से आप बहुत 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 सारे शेड खुद बना सकते हो। जिस तरह का आपको कलर चाहिए आप खुद घर पे तैयार कर सकते हो। ये देख सकते हो इसमें और इसमें कितना फर्क है गाइस। अब हम थोड़ा और लाइट कर लेते हैं इस कलर को और थोड़ा ज्यादा पिंक कलर कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल है। जितना आपको लाइट चाहिए आप उतना लाइट कर सकते हो गाइस, जितना लाइट चाहिए उतना ज्यादा आप व्हाइट पेंसिल इस पे यूज करो। ये देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ था गाइस, ये ओरिजिनल कलर है। उसके बाद आपने कम यूज किया, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ये आप एक की लिपस्टिक के देखो इतने सारे शेड खुद से क्रिएट कर लिए गाइस। अब ये तो हो गए लाइट शेड। जी हाँ, ये सारे लाइट शेड थे। आप जितना लाइट करना चाहते हो आप खुद से कर सकते हो। तो गाइस, अब ये हो गए लाइट कलर। अब मैं आपको थोड़े डार्क कलर बताऊंगी वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये हमारे पास ब्लैक पेंसिल, ये आप लिप लाइनर में भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काजल जो आपका ब्लैक होता है वो भी ले सकते हो। जी हाँ, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास मरून ड्रेस है, तो हमारे पास तो मरून कलर नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस पे ब्लैक कलर पहले लगाएंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इस पे दोबारा से ये लिपस्टिक अप्लाई करें। तो ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल कलर था, ये उससे एक कलर डार्क हो गया, मेहरून कलर हो गया। अब आप चाहते हो इससे थोड़ा लाइट हो, तो इस पे क्या करोगे, आप इस पे थोड़ा सा ब्लैक लगाओगे, इसको मिक्स कर लोगे और इस पे दोबारा से लिपस्टिक अप्लाई करोगे, तो ये अलग कलर हो गया। ऐसे ही सेम आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा कम ब्लैक ऐड करोगे और इसको मिक्स कर लोगे और इस पे लिपस्टिक अप्लाई करोगे, तो ये आपका अलग कलर बन गया। ऐसे इस पे थोड़ा कम और थोड़ा कम लगाओगे, जितना जैसा कलर चाहते हो वैसा क्रिएट कर सकते हो गाइस। मिक्स करोगे तो ये आपका अलग कलर हो गया। ये आप खुद देख सकते हो, ये है आपका ओरिजिनल कलर गाइस लिपस्टिक का। ये सारे लाइट कलर है और ये सारे डार्क कलर है। आप जैसा क्रिएट करना चाहते हो वैसा क्रिएट करना चाहते हो। थोड़ा ज्यादा डार्क चाहते हो तो आप ज्यादा इसमें ब्लैक ऐड कर सकते हो, कम चाहते हो तो ऐसे कम कम करके जैसा आपको कलर चाहिए वैसा कर सकते हो गाइस। तो गाइस, ये था एक मेथड। तो इसी फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ एक और टेक्निक भी शेयर करूंगी। जी हाँ, अब क्या होता है, कुछ लड़कियों के पास ये ब्लैक कलर भी नहीं होता और ये व्हाइट कुछ भी कलर नहीं होता है, तो अब वो कैसे क्रिएट करेंगे। वैसे तो ये व्हाइट हो या ना हो, ब्लैक कलर जरूर होता है लड़कियों के पास, क्योंकि काजल लगाना होता है, तो हर लड़की के पास ब्लैक कलर तो होता है, बट कोई बात। तो अब मैं किसी और मेथड से भी आपको इस लिपस्टिक के कलर और चेंज करके बताऊंगी। जी हाँ, तो वो देख लेते हैं वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तीन या चार शेड प्रॉपर लगा लेती हूँ गाइस। ये जो हमारा ओरिजिनल शेड है तो इसको मैं थोड़ा पहले डार्क कर देती हूँ। तो अब हमें सेकंड मेथड के लिए लेना है कंसीलर, कोई भी कंसीलर ले सकते हो गाइस। ऐसा कोई नहीं कि जो मैं ले रही हूँ वो लेना है, जो भी आपके पास कंसीलर पड़ा है वो लेना है। उसके बाद अब हम इस पे थोड़ा सा लगाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा लाइट होगा गाइस, और इस पे थोड़ा कम लगाया है तो आप इस पे देख सकते हो इसका और लाइट होगा, इस पर और कम लगाया गाइस तो इसका कलर आप खुद देख सकते हो ये अलग। तो आप ये देख सकते हो कि ये हमारा ओरिजिनल कलर था, उसके बाद हमने इस पे ज्यादा अप्लाई किया तो ये ऐसा कलर हो गया, इस पे थोड़ा कम अप्लाई किया तो ये थोड़ा डार्क कलर है, और ये आप देख सकते हो ये थोड़ा अलग कलर। ये था हमारा ओरिजिनल कलर। तो इस प्रकार से हम इससे कंसीलर से भी ये अलग अलग कलर खुद से क्रिएट कर सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप कलर नहीं बना सकते हो, आप किसी भी चीज से थोड़ा कस्टमाइज करके अलग अलग कलर खुद से बना सकते हो गाइस। अब हम आ गए हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। जी हाँ, अब आपने डार्क कलर भी देख लिए सेम लिपस्टिक से और
लाइट कलर भी देख लिए। बट अब आप चाहते हो कि आपको जी ब्राउन कलर चाहिए, आपको चाहिए ऑरेंज कलर, फिर आपको चाहिए पर्पल कलर, तो आप वो कैसे बना सकते हो गाइज? तो पहले हम इसके फिर से स्वाचेस कर लेते हैं। ऑरेंज, ब्राउन या पर्पल कलर बनाने के लिए आपको करना क्या गाइज? पहले आपने स्वाचेस कर लिए। अब गाइज उसके लिए आपको लेना होगा अपना आई शेडो पैलेट जी। आपको चाहिए इसमें से जैसे कि ये पिंक वाला शेड, तो हम ये पिंक कलर लेंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे। ये देखिए गाइज ये आपका पिंक कलर बन गया। जब ये अप्लाई करेंगे ना गाइज इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि आपकी ये मैट हो जाएगी लिपस्टिक, ये अपीयर मैट होगी पर रहेगी ये क्रीमी ही। जी हाँ गाइज, तो अब आपको जैसे अब आपको ये चाहिए ये थोड़ा ब्राउन कलर, तो आप इस पे ये ब्राउन कलर लगाएंगे। ये देखिए गाइज कैसे कलर इसके बदल रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। आपको इसमें से जो कलर चाहिए वो आप लगा सकते हो। जैसे अब आपको ये कलर चाहिए ब्लू, तो आप ये ब्लू लगा सकते हैं। खुद भी समझ नहीं आ रहा आपको मैं इसमें से कौन सा कलर क्रिएट करके बताऊं, आप खुद से भी जो आपको कलर चाहिए होगा अपने ड्रेस के साथ का। मेरे पास ये शेड्स बहुत कम है, अगर आप चाहो तो आई शेडो पैलेट ले सकते हो अलग अलग बहुत सारे कलर्स का, जिससे कि आपके ये बहुत सारे कलर अलग से और बन जाएंगे। ये मैंने ऑरेंज कलर बताया था, आपको ऑरेंज कलर चाहिए तो आप यहाँ पे ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे, तो आपकी ये ऑरेंज कलर की लिपस्टिक बन गई। तो आप जितने भी अनलिमिटेड कलर बना सकते हो, जितने चाहते हो उतने कलर बना सकते हो गाइज। अगर अब आप कहते हो कि हमें मैट लिपस्टिक नहीं चाहिए, तो हमें थोड़ी क्रीमी ही चाहिए, जैसा कि ओरिजिनल ये लिपस्टिक का शेड है या फिर ओरिजिनल ये लिपस्टिक है, तो वैसे ही चाहिए। तो अब मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ गाइज। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जो आपके आई शेडो पैलेट में थोड़े ये शिमरी से कलर होते हैं, थोड़े ऐसे कलर होते हैं, तो आपको ये लेने और अप्लाई करने। ये आप देख सकते हैं गाइज कैसे क्रीमी रहा इसका कलर, और बट आपकी लिपस्टिक भी क्रीमी रही और आपका शेड भी चेंज हो गया। तो अब मैं आपको कोई और कलर करके दिखा देती हूँ। जी देखिए गाइज ये आपका कलर अलग हो गया और आपका शेड भी चेंज हो गया। तो आप ये करके देख सकते हो, ये देखिए। तो ऐसे आप बहुत सारे कलर खुद घर पे बना सकते हो गाइज। तो ये देख सकते हैं, आप ये कलर बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो। ये देखिए जैसा आपको चाहिए वैसा शेड खुद से बना सकते हो गाइज। गाइज जो आपके आई शेडो पैलेट में ये लिपस्टिक के कलर भी होते हैं ना, आप इनको भी लगा के रिक्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके ये लिपस्टिक का कलर यहाँ पे ये पिंक सा है, तो आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करो। ये देखिए ये लिपस्टिक का कलर चेंज हो गया, तो आपको चाहिए ये, तो आप ये अप्लाई करो। ये देखिए गाइज तो ये भी चेंज हो गया। ये देखिए लिपस्टिक यहाँ पे भी आप दोनों को मिक्स करके अलग लिपस्टिक का कलर वो भी बना सकते हो। तो एक ही लिपस्टिक से आप खुद देख सकते हो कितने सारे शेड गाइस, कितने सारे शेड बन चुके हैं एक ही लिपस्टिक से। मात्र ये एक ही लिपस्टिक हम पूरे वीडियो में यूज कर रहे हैं और बस इसके शेड चेंज हो ही जा रहे हैं खुद से। जो शेड आपको चाहिए वो आप खुद से बना सकते हो, उसके लिए आपको किसी भी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमें जी पर्पल कलर की लिपस्टिक चाहिए, हमें तो ऑरेंज कलर की लिपस्टिक चाहिए, तो आप शॉप पे जाओ खरीदो। नहीं, आप अपना कोई भी आई शेडो पैलेट लो, कुछ भी लो, आप उससे खुद से अलग कलर खुद बना सकते हो गाइस। अब हम चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ। जी हाँ गाइज, तो ये पार्ट मेरा बहुत 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 ही ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ गाइज, क्योंकि हमें इसमें लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गाइज, क्योंकि इसमें हम बिना लिपस्टिक के बहुत सारे कलर भी बना सकते हैं। इसको चैपस्टिक बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, तो वैसे ये इस प्रकार ये लिप बाम होता है व्हाइट कलर का। तो अब हम इससे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड बनाएंगे। इसमें जो हमारी मेन चीज इस्तेमाल होगी वो है हमारा ये आई शेडो पैलेट। जी हाँ, तो अब हम आई शेडो पैलेट में जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है, इससे आपको बहुत सारे कलर क्रिएट करके बताएंगे। जैसे कि आपको इसमें से चाहिए होगा ये ऑरेंज कलर, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा स्क्रैच करोगे। ये स्क्रैच करके आप लिप बाम को इसके ऊपर ऐसे थोड़ा लगाओगे और लगा के ये देखिए गाइस ये आपका ऑरेंज कलर आ गया। इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप अभी बने रहिए वीडियो में। पहले मैं आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर बना के दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हो गाइस। अब हमें ये कलर चाहिए, तो हम इसको भी थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे अपनी चैपस्टिक लगाएंगे और फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा ये कलर बन गया गाइस। ये देखिए, तो आप जितने कलर चाहो उतने बना सकते हो गाइस। जैसे कि हमने ये कलर को थोड़ा स्क्रैच किया, इसके बाद इस पे चैपस्टिक से इसको उठा लिया और यहाँ पे अप्लाई किया, तो हमें ये कलर मिल गया। ये देखिए गाइस, गाइस मैं आपको कितने कलर मतलब यहाँ पे लगा के दिखाऊं, आपको जो कलर चाहिए अब वो यहाँ पे स्क्रैच करिए, आपको यहाँ पे ब्राउन कलर का शेड मिल गया है गाइस। ये देखिए ये कलर, तो आप इसको स्क्रैच करोगे, इस पे चैपस्टिक लगाओगे, चैपस्टिक से इसको उठा के यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ये देखिए अब आपको ये कलर मिल गया गाइस। तो आप इस तरीके से बहुत सारे कलर बना सकते हो खुद से। अब आपको चाहिए ये कलर, आप यहाँ से लोगे और अप्लाई करोगे, तो आपको ये पिंक कलर मिल गया गाइस। तो आप इस तरीके से ये पिंक कलर बना सकते हो। अब हो सकता है गाइस जो बाकी लिपस्टिक इतनी लॉन्ग लास्टिंग थी, तो उसकी तरह ये लिपस्टिक इतनी लॉन्ग लास्टिंग ना हो, तो आपको करना क्या है इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, इसको आपको अपना कम्पैक्ट पाउडर लेना है। जी हाँ, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे,
इन सारे कलरों के ऊपर इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर देंगे। और क्या करना है गाइस, उसके बाद फिर से वही कलर दोबारा लेके इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और थोड़ी क्रीमी भी नहीं लगेगी। तो आप इस तरीके से जो भी आपकी लिपस्टिक हो उसको दोबारा इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो आपकी लिपस्टिक वैसा ही कलर सेम आपको मिल जाएगा और आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगी। तो अब आपके ये सारे कलर लॉन्ग लास्टिंग भी बन चुके हैं गाइस। तो अब देखिए, आपने इसमें लिपस्टिक भी यूज नहीं करी और लिपस्टिक के बिना ये सारे कलर गाइस खुद बना लिए। जी हाँ, तो इस तरीके से हमारे घर पे सब कुछ होता है गाइस, बस हमें इतनी समझ नहीं होती है कि हम कैसे इन सब कलर को क्रिएट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, यूजफुल लगी भी या नहीं। अगर यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना गाइस और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि ऐसी अगली वीडियोस आपको मिलती जाए गाइस। बाय बाय गाइस, मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगली वीडियो के साथ।